हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेप्स के बारे में। जैसे कि मार्केट में काफ़ी सारे ग्रेप्स आए हुए हैं और खाने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करते ही हैं, और ब्यूटी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे हम ग्रेप्स की मदद से हम घर पर ही अपनी चमकदार त्वचा पा सकते हैं, इसके बारे में हम आज अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। मार्केट में कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जो स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करने का वादा करते हैं। इन प्रोडक्ट्स के फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ये ब्यूटी प्रोडक्ट काफ़ी महंगे भी होते हैं जो हमारी जेब पर असर पाते हैं, लेकिन हम घर पर ग्रेप्स का इस्तेमाल करके सस्ते में ही अपनी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। दोस्तों, कई ऐसे मौसमी फल और सब्जियां भी हैं जिनका उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पर किया जाता है। आज हम आपको ग्रेप्स के फेस पैक के बारे में बताएंगे, जिससे आप जो आपके बजट में भी है और इससे आप एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। दोस्तों, घरेलू टिप्स नंबर वन में हम गुलाब जल, अंगूर और शहद का एक फेस पैक तैयार करेंगे। स्किन ड्राइनेस से आप अगर परेशान हैं तो आपके लिए अंगूर से बना यह फेस पैक बहुत ही अच्छा रहेगा। 8 से 10 अंगूर के दानों को कुचलकर मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में थोड़ा सा गुलाब जल और शहद मिला लें, अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। जब यह सूख जाए तो सादे पानी से चेहरा धो लें। हफ्ते में 2-3 बार ये पेस्ट लगाने से स्किन की ड्राइनेस की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हम अपने घरेलू टिप्स नंबर 2 में अंगूर, गाजर और चावल का आटा से फेस पैक बनाएंगे। स्किन में कसाब और ग्लो के लिए हम अंगूर, गाजर और चावल का बना फेस पैक काफ़ी असरदार हुआ है। अंगूर के कुछ दानों को लें और उनको पीस लें। इस पेस्ट में 1 चम्मच क्रीम, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच गाजर का जूस मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस पैक को अपने चेहरे पर और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएँ। जब यह सूख जाए तो इसे आपने गुनगुने पानी से धो लें, आपकी स्किन ग्लो करेगी। दोस्तों, टिप्स नंबर 3 में हम अंगूर, मुल्तानी मिट्टी और नींबू के फेस पैक को तैयार करेंगे। इसके लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसके लिए अंगूर, मुल्तानी मिट्टी और नींबू के रस का बना फेस पैक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए 1 कटोरी में मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें कुछ बूंदें नींबू के रस और गुलाब जल की मिला लें। इसके बाद अंगूर के 10-12 दानों को पीस कर उसमें डालें और अच्छी तरह से मिला लें। इसे अपने चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर रखें। जब यह सूख जाए तो इसे साफ पानी से धो लें। दोस्तों, टिप्स नंबर 4 में अंगूर और पुदीना और नींबू का हम फेस पैक तैयार करेंगे। सबसे पहले अंगूर और पुदीने की कुछ पत्तियां को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस फेस पैक को 10 मिनट तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। 10 मिनट के बाद गुनगुने पानी से इसे साफ कर लें। अब बर्फ से 1 टुकड़े से गुलाब जल में डुबो कर चेहरे पर मलें। ऐसा करने से चेहरे पर ग्लो आएगा, साथ ही आपकी ऑयली स्किन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई होप दोस्तों, आप ये सारे टिप्स जानकर आप भी घर पर इसको इस्तेमाल करेंगे और आपकी ग्लोइंग स्किन पाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।